गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की इंग्लिश का बुक का पहले चैप्टर का पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। बच गया था दूसरा पार्ट जो यहां से था, दिस इज नॉट वर्क। पहले पार्ट में बेन रोजर्स जो टॉम का मित्र होता है वह टॉम से कहता है कि जो तुम चहारदीवारी की सफेदी कर रहे हो इससे बेहतर होता कि हम लोग चलते स्नान करने के लिए, घूमने के लिए चलते। तो टॉम कहता है कि नहीं, मुझे ये काम पसंद है और मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं काम कर रहा हूं। तो लिखा है कि दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है, टॉम सेड क्वाइटली। टॉम ने धीरे से बेन रोजर्स को कहा कि यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, और वह सफेदी में लग गया। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। बेन ने हैरान होकर कहा कि यह काम नहीं है। ओ नो, आई लाइक इट, अरे नहीं मुझे यह पसंद है। व्हाइट वॉशिंग इज फन, सफेदी करना मजेदार है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश्ड अ फेंस, क्या तुम कभी चहारदीवारी की सफेदी किए हो? हैव यू, मतलब क्या तुम चहारदीवारी की कभी सफेदी किए हो या नहीं? वेल नो, आई हैव नॉट, अरे नहीं मैं तो कभी नहीं किया हूँ। फॉर अ टाइम, कुछ समय तक बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, कुछ समय तक बेन वहां खड़ा होकर के टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवेन टू हिज वर्क, उसका सारा ध्यान अपने काम में था। एट लास्ट, और अंत में बेन सेड, बेन ने कहा, लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ी सफेदी करने दो। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मुझे इस चार दीवारी को सुंदर बनाना है। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली, और मैंने अपनी आंटी पॉली से वचन दिया है कि मैं इसे सुंदर बनाऊंगा। बिसाइड्स, और इसके अलावा, इट इज इंटरेस्टिंग, यह मजेदार काम है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन। बेन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और निवेदन करते हुए कहा कि मुझे थोड़ा सा काम करने दो। टॉम कहता कि नो, आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन मुझे दुख है, बट आई कॉन्ट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मेरी आंटी ने मुझसे कहा है कि यह काम मैं, इफ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई ना कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। इट इज लुकिंग सो नाइस नाउ, अभी यह कितना सुंदर लग रहा है। आगे लिया कि स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे से और अनिच्छा पूर्वक, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। यहां एक लाइन छूट रहा है कि आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूंगा। यू कैन हैव माय एप्पल इफ यू लेट मी, अगर तुम मुझे करने दोगे तो मेरा सेब तुम ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली, धीरे से और अनिच्छा पूर्वक, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने बेन को ब्रश दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने मेहनत से काम किया। ही सून ग्रीव हॉट, शीघ्र ही उसे गर्मी लगने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, पर वह काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम बैठा रहा, वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, देखता रहा और बेन का सेब खाता रहा। बेन ही हैड डन इनफ,
जब बेन काफी काम कर चुका था, अदर बॉयज केम अलोंग, तब तक दूसरे लड़के भी उस तरफ आ गए। एट फर्स्ट दे लॉब्ड एट टॉम, शुरू में उन्होंने भी बेन की तरह टॉम का मजाक उड़ाया, जैसा बेन ने टॉम का मजाक उड़ाया था। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे आए तो अभी टॉम का मजाक उड़ाया, एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, पर शीघ्र ही वे चार दीवारी पर सफेदी करने लगे। ऑफकोर्स अवश्य, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, उन्हें भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी। लिखा है कि दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, मतलब उन्हें टॉम को सहायता करने के बदले में कीमत चुकानी पड़ी। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं उसे दे दी। 12 मार्बल्स, जिसमें 12 कंचे थे। अ टीन सोल्जर, एक टीन का सैनिक था। एक की मतलब एक चाबी। ए डॉग्स कॉलर, कुत्ते के गले की पट्टी। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हैंडल। और एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 फांके। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम का समय आराम से कटा। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट लेकिन सून द फैंस हैड 3 कोट्स ऑफ व्हाइट वॉश ऑन इट, लेकिन शीघ्र ही चार दीवारी पर सफेदी के 3 लेप चढ़ गए। फिर आगे दिया है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, एक बार टॉम बीमार पड़ा तो जो उसकी आंटी पोली थी उसके लिए दवा लाई। लिखा कि टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी और टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह पहले की तरह अब नहीं सोता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, वह अब उतना नहीं खाता था जितना वह प्रायः पहले खाया करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, करा कि अब वो स्कूल से भी भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशान था और दुखी था। द बॉय इज इल आंट पोली थॉट, आंटी पोली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उससे कुछ दवाई देनी चाहिए। आंट पोली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, आंट पोली को दवाइयों का बहुत शौक था। सी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूवेस्ट आइडिया वॉज दिस, और उनका जो नवीनतम विचार था, वेन अ बॉय इज इल, जब एक लड़का बीमार हो, ही मस्ट बेद इन कोल्ड वाटर, उससे रोज प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए। ही मस्ट बेद इन द कोल्ड वाटर एवरीडे, उसे प्रतिदिन ठंडे पानी में स्नान कराना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इस प्रकार वह प्रतिदिन टॉम को बाहर आंगन में खड़ा करती। देन सी थ्री आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, फिर वह उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकती या उसे ठंडे पानी से नहलाती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद सी रैप्ड हिम इन अ वेट सीट, उसे एक वेट सीट का मतलब था गीले चादर में रैप्ड मतलब लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बेड पर सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर,
टॉम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, उसकी तबीयत पहले से भी अधिक खराब हो गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंट पॉली के दिमाग में एक नया विचार आया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, अब उसने क्या किया कि ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से उसे नहलाना शुरू कर दिया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, को कोई फायदा नहीं मिला। फिर आगे दिया है, एट दिस टाइम, उसी समय आंट पॉली हियर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, आंट पॉली एक नई दवा के बारे में सुनी। इट वॉज कॉल्ड पैन किलर, पैन किलर मतलब दर्द निवारक, यह दर्द निवारक गोली थी या दर्द निवारक दवा थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका तीखा था। ऑल द सेम, फिर भी आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली ने इसे टॉम को पीने के लिए बाध्य किया। थ्री स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, यानी कि हर भोजन के उपरांत तीन चम्मच पीना था। टॉम हेटेड इट, टॉम को यह दवा पसंद नहीं थी। व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंटी उसे नहीं देख रही होती थी, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इंटू अ होल इन द फ्लोर, जब उसकी आंटी देख नहीं होती तो क्या करता था कि दवा को फर्श के में स्थित एक बिल में गिरा देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे वेन द कैट केम इन, और यही सब करने में एक दिन टॉम बिजी था, तभी उसके कमरे में एक बिल्ली आ गई। टॉम पोर्ड सम ऑफ मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने क्या किया कि उसके मुंह में दवा की कुछ बूंदे गिरा दी। एट वंस मतलब तुरंत, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वह हवा में एकदम से उछली। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, और वह अपने पिछली टांगों पर नाचना प्रारंभ कर दी। इट रस्ट अबाउट द रूम, वह कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता सब तोड़ने लगी। इट रैन अबाउट एज इफ, वह ऐसे दौड़ी एज इफ मतलब मानो, इट वॉज मैड कि वह पागल हो गई हो। टॉम लव्ड एंड लव्ड, टॉम जोर जोर से हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, यह बहुत समय के बाद ऐसा हुआ। ही हैड लव्ड सो हार्टली कि वह इतने मन से हंसा। व्हाट इज द, आंट पॉली हियर्ड द नॉइस एंड केम रशिंग इन, जब आंटी पॉली उसके हंसने की आवाज को सुनी तो वह दौड़ते हुए बहुत तेजी से कमरे में प्रवेश की। व्हाट इज द मैटर मतलब क्या बात है या फिर क्या हो गया। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम उसे कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वह हंस रहा था, या हंसने की वजह से वह उसे कुछ बता नहीं पाया। एट लास्ट, और अंत में, ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने इशारा करते हुए कहा, लुक एट द कैट, देखो बिल्ली की तरफ देखो। व्हाट इज द मैटर विथ इट, उसकी आंटी ने उसे कहा कि इसे क्या हो गया है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुम उसे यह दवाई पिला रहे थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। से टॉम स्टिल लॉफिंग, टॉम अब भी हंसते हुए कहा कि मुझे नहीं पता। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली ने उस दर्द निवारक दवा के बोतल को देखी। द स्पून एंड ए सॉसर, एक चम्मच और प्लेट वहां पे पड़ी हुई थी। सी गेस्ट द ट्रूथ, और वह सच्चाई को भाप गई, वह सच्चाई को समझ गई कि क्या हुआ होगा। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने यह एक्सपेक्ट कर लिया या उम्मीद करी कि उसकी जो आंटी है अब उससे गुस्सा हो जाएंगी। टू हिज सरप्राइज,
सी वॉज ओनली थॉटफुल, लेकिन उसे यह देख करके हैरानी हुई कि वह केवल गंभीर थी। इट इज नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, सी सेड। अनपोली सोच रही थी कि यह जो दवा है यह बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स इट इज नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, शायद यह बालकों के लिए भी अच्छी औषधि नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, अनपोली ने कहा कि टॉम तुम्हें अब इसको और लेने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, और यह एक शुभ समाचार था टॉम के लिए। ही बिगैन टू फील बेटर, उसकी हालत पहले से ज्यादा सुधरने लगी। यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी।